अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मोहम्मद आमिर शुएब मलिक कप टीम में खेलेंगे। नए चीफ सेलेक्टर हारून रशीद का दबंग ऐलान। हारून रशीद ने चीफ सेलेक्टर बनते ही टीम से बाहर तमाम खिलाड़ियों को खुशखबरियां सुना दी। हारून रशीद ने कहा कि अब वो लैपटॉप वाला जमाना गया, अब होगी मेरिट की बात और टीम में सेलेक्ट किए जाएंगे मेरिट पे। इसके अलावा बाबर आजम की कप्तानी पे भी खुलकर बोल पड़े हारून रशीद। पूरी तफसील में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। जी तो दोस्तों, नए बनने वाले चीफ सेलेक्टर हारून रशीद ने दबंग ऐलान करते हुए मोहम्मद आमिर शर्जील खान और शुएब मलिक को सुना दी खुशखबरी। इसके अलावा उमर अकमल, अहमद शहजाद भी पाकिस्तान में अब जगह बना सकते हैं। जगह बनाने के लिए हारून रशीद ने लगा दी एक बहुत बड़ी शर्त। शर्त क्या है कि जो भी अच्छी परफॉर्मेंस देगा उसको टीम में कर लिया जाएगा सेलेक्ट। टीम सिलेक्शन लैपटॉप पर नहीं होगी, सिर्फ मेरिट पर होगी। जो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा उसको टीम में खेलने का दिया जाएगा मौका। मोहम्मद आमिर के लिए भी अनोखी शर्त रखी गई है कि मोहम्मद आमिर को अपनी जबान पर कंट्रोल करना होगा। मोहम्मद आमिर बोलते बहुत ज्यादा हैं। मोहम्मद आमिर को बोलने से पहले तोलना चाहिए कि मैंने क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी। मोहम्मद आमिर को चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी क्रिकेट पर इन्हिसार करे, बयानबाजी से दूर रहे तो उसके लिए होगा अच्छा। के अलावा कप्तान बाबर आजम की कप्तानी के सवाल पर हारून रशीद ने कहा है कि बाबर आजम हमारे स्टार हैं और नजम सेठी भी उन्हें स्टार मानते हैं। बाबर आजम के अलावा कोई भी नहीं बनेगा टीम का कप्तान।